हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। गाइज, आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, which is mainly asked in the previous 10 years of the examinations. Okay, तो हम start करते हैं first question से. First question क्या बोल रहा है? Solve the following pair of linear equation this and this. तो first equation ऐसा दिया हुआ है, second equation ऐसा दिया हुआ है, clear? तो first equation को अगर हम rewrite करें तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें किसके form में लिखना था? ax plus by equals to c के form में, या फिर plus c, वहां जाके वो क्या हो जाता है? minus c. Okay, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसे रीअरेंज कर देते, क्या हो जाएगा? माइनस फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, क्लियर है? और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू नाइन। अब हम क्या करते हैं, हमें या तो हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या फिर एलिमिनेशन से। सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, इन तीनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इजी सबसे ज्यादा कौन सा जाता है? एलिमिनेशन मेथड। इसलिए हम एलिमिनेशन यूज करेंगे। अगर यहाँ क्वेश्चन में मेंशन होता कि आपको सब्सटीट्यूशन करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है या एलिमिनेशन करना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता। लेकिन अगर सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला है तो आप इन तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करें, हम इसमें y को अगर एलिमिनेट करना चाहे, y को एलिमिनेट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है? 1। और सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है? -5। ओके, तो हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 हो जाएगा, लेकिन वो प्लस 5 होगा, यहाँ माइनस 5 है, तो वो इजीली कैंसिल हो जाएगा, प्लस करने से आ जाएगा। ओके, तो हम इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4x प्लस y इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो ये रीराइट करने तो क्या मिल जाएगा हमें, ये रीराइट करने से हमें मिल जाएगा माइनस 20x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 9। ओके, हम सेकेंड इक्वेशन को कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज रख रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है? तो अब ये हम अगर इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें, जो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हुई है, सपोज दिस इज इक्वेशन 3 और दिस इज 4, तो हम इसे अगर प्लस कर दें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? माइनस 14x, और यहाँ क्या मिलेगा? प्लस 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? माइनस 1 आ जाएगी, क्लियर है? x माइनस 1 आ गया, तो हम ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में किसी में भी पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर ले आएंगे। तो पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ओके, 2 में पुट करते हैं तो क्या होगा? ये 6x, x की वैल्यू पुट करनी है 6 इनटू माइनस 1 माइनस 5y इक्वल्स टू 9। तो माइनस 6 माइनस 5y इक्वल्स टू 9, सो माइनस 5y इक्वल्स टू 9 प्लस 6 हो जाएगा इधर माइनस 6 का 15, दैट इज y, सो y इक्वल्स टू 15 अपॉन माइनस 5, दैट इज 5 1 5 3। सो व्हाट वी गेट, y की वैल्यू इज माइनस 3। हो गया सॉल्व हमारा ये इक्वेशन। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? अ पार्ट ऑफ मंथली होस्टल चार्जेस एंड इज फिक्स्ड। होस्टल चार्ज क्या है? फिक्स्ड है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो हॉस्टल का मंथली चार्ज है, वो हॉस्टल चार्ज तो फिक्स है, लेकिन जो अदर चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन तक मेस में खाना खा रहे हो हॉस्टल के। ओके, तो अब क्या बोल रहे, व्हेन स्वाति टेक्स 20 डेज ही हैज टू पे रुपीज 13,000। ओके, अगर वो 20 डेज तक खाना खाती है वहां मेस से, तो 13,000 उसे पे करना पड़ता है एज अ हॉस्टल चार्ज। ओके, मतलब उसमें हॉस्टल चार्ज भी होगा, रहने का भी होगा, और प्लस मेस का भी चार्ज होगा। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, वेयर इज मानसी हु टेक फॉर फूड 25 डेज। मानसी ने 25 डेज के लिए फूड लिया और होस्टल चार्ज तो रहेगा ही, और फूड का 25 डेज का, तो उसे कितने रुपीस पे करने पड़े? 3500। ओके, दिस विल बी 3000, नॉट 13000। ओके, दिस इज 3000 एंड दिस इज 3500। ओके, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमें अब फिक्स्ड चार्ज निकालना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का खाने का चार्ज निकालना है और हॉस्टल का चार्ज निकालना है, जो कि फिक्स्ड है, एक्स तो फिक्स्ड ही रहेगा, क्लियर है? तो देखते हैं हम, अब हमने कंसीडर क्या कर लिया, हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट द होस्टल चार्ज, फिक्स्ड होस्टल चार्ज इज एक्स एंड द चार्ज पर डे इज वाई, मतलब फूड का चार्ज। ओके, स्वाति ने कितना पेड किया? स्वाति पेड 3000, जब उसने फिक्स्ड है ये चार्ज
फिक्स चार्ज तो हॉस्टल का वही है, लेकिन फूड कितने दिन लिया उसने, 20 डेज, तो उसने कितना पे किया, 3,000 रुपीज। वैसे ही मानसी ने फिक्स चार्ज पे किया हॉस्टल का, और फिर उसके बाद उसने कितने दिन लिया मील, 25 डेज, और उसने कितना पे किया, 3,500। हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए हमें, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कर ले अगर हम इक्वेशन को, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ क्या मिल जाएगा, -5y = -500। तो y इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 100 रुपीज। क्लियर है, y इक्वल्स टू 100 मिल गया, मतलब y क्या था हमारा, चार्ज पर डे, एक दिन का 100 रुपीज, है ना। तो अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, डायरेक्टली पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 100 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करते हैं, 1 में कर देते हैं, 2 में, किसी में भी कर सकते हैं आप, ओके। तो x प्लस 20 इंटू 100 इक्वल्स टू 3000, ओके। सो x इक्वल्स टू 2000, सॉरी x प्लस 2000 इक्वल्स टू 3000। अब ये यहाँ पे 2000 प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, 3000 माइनस 2000 इज बिकम 1000 रुपीज, ओके। तो x इक्वल्स टू 1000, तो हमें क्या मिल गया, हॉस्टल का जो चार्ज था हमारा, हॉस्टल चार्ज था फिक्स, वो है 1000 रुपए, और हर एक दिन का जो मील का चार्ज है वो कितना है, 100 रुपीज, ओके। क्लियर, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सी यहाँ पे लिखा है सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकते, हमें मार्क्स तभी मिलेगा जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, ओके। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस y इक्वल्स टू, दिस इज 7, ओके, दिस इज 7, एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, ओके। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, अब हमें क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, x अपॉन में हमें क्या लिखना होता है, जो हमारे पास फॉर्मूला है, c2 माइनस b2 बाय c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। मैं अपने वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि हम ये फॉर्मूला लर्न कैसे करते हैं, लर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, x एंड अपॉन में हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं कैसे, x यहाँ लिख लो, y यहाँ लिख लो और 1 यहाँ लिख लो, और स्टार्ट करो b1 और b2 से, ओके, b1 by b2, ऐसे बस लिख लो, c1 c2, फिर क्या आएगा, a1 a2, b c खत्म हो गया, तो फिर से a आएगा, फिर से किसका टर्न आएगा, b1 b2 का टर्न आएगा, ओके। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो x के अपॉन में क्या आएगा, x के अपॉन में आएगा b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2, क्लियर है, ऐसे लिखना जाएगा, तो y के अपॉन में कितना आएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, ओके। फिर 1 के अपॉन में क्या आएगा, a1 b2 माइनस b1 a2, क्लियर है, तो आपको फॉर्मूला लिखना आ जाएगा, तो हम आपको ये भी बता देते हैं, अब b1 क्या है यहाँ पे, b1 देख लें, अगर हम b1 है 1, b2 कितना है यहाँ पे, -3, c1 है 7, c2 कितना है यहाँ पे हमारे पास, 11, क्लियर। अब क्या है, a1 इक्वल्स टू 1 एंड a2 इक्वल्स टू 2, तो अब आप इसी में हम अगर पुट कर दें तो हमको ये मिल जाएगा, यहाँ पे b1 की वैल्यू 1, b2 -3, c1 7, c2 11, तो ये पुट करके हम इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इधर 11 माइनस ऑफ माइनस 21, तो माइनस ऑफ माइनस 21 इज प्लस 21, क्लियर। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, आंसर लेके आ जाइए, यहाँ पे आपका आंसर x की वैल्यू मिल जाएगी। एक टर्म हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, ये वाला टर्म, ओके, ये वाला हमें कितना मिल रहा है, -1/-5, और हमें x वाला कितना मिल रहा है, x/32, तो हमारा क्या हो जाएगा, x/32 मिल रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, तो 32/5 आ गया x, हमें कांस्टेंट क्या मिला, -1/-5, और y वाले टर्म में कितना मिला हमें, y/3, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, y = 3/5, क्लियर। ऐसे x और y की वैल्यू हम मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड कर दूंगी, जिसमें मैंने थर्ड चैप्टर पूरा पढ़ाया है अपने प्लेलिस्ट में, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 सेज, फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब हमें ये दो लाइंस दिए हुए हैं और हमें पूछ रहा है कि इनमें से जो ये दो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइन है, ओके। तो हमें चेक क्या करना होता है, हमें पहले तो हमें पता है कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 is not equals to b1 by b2, ये किसके लिए होता है, intersecting line के लिए, okay? फिर a1 by a2 equals to b1 by b2
इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू अगर आ गया तो ये होता है किसके लिए, ये होता है कोइंसिडेंट लाइन के लिए. ओके फिर क्या होता है, ए वन बाय ए टू इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू बट नॉट इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू, ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा पैरेलल लाइन के लिए होता है. क्लियर? तो हम इसके अकॉर्डिंगली चेक कर लेते हैं. ए वन हमारा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, टू. बी वन हमारा क्या है, माइनस थ्री. एंड सी वन हमारे पास क्या है, सिक्स. क्लियर? फिर हम अगर देखें कि हम अगर क्या देखें, ए टू देखें, बी टू और सी टू देखें. ओके तो ए टू हमारा फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली फोर, बी टू इज माइनस फाइव एंड सी टू इज टू. ओके तो हम जल्दी जल्दी पुट करके देखना स्टार्ट करते हैं. ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन माइनस फाइव बी वन बाय बी टू. तो इज दैट ट्रू और व्हाट, वन अपॉन टू जो है क्या वो इक्वल हो सकता है क्या थ्री अपॉन फाइव के, दैट इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल. सो हमारा फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ ओनली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड हैविंग द इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. ओके कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव. व्हाट क्वेश्चन नंबर फाइव सेज, फोर चेयर एंड थ्री टेबल कॉस्ट, this is rupees, okay, not question mark, this is rupees, rupees 2100 and five chair two table cost 1750. so hum kya karte hain, ek chair ki cost le liya humne x aur ek table ki cost kya le liya humne y le liya. okay to kya bola hai pehle ki four chairs to 4x, four chairs ho gaye, three tables to 3y equals to 2100 rupees. okay rupees likhne ki zarurat nahi because hum ye kya kar rahe hain, equation bana rahe hain. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, फाइव चेयर 5x प्लस टू टेबल दैट मींस 2y इज ऑफ रुपीज 1750. ओके अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसे तो लिखा नहीं है इसमें कि कौन सा मेथड करना है, इसलिए हम इजी मेथड में जाएंगे. हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. ओके तो हम एलिमिनेशन करने के लिए हम क्या करें, x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें, हमें ये देखना पड़ेगा. तो जो ज्यादा इजी हमारे लिए पड़ेगा हम वो करेंगे. अगर हम y को एलिमिनेट करते हैं तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तभी इसका कोएफिशिएंट 6 हो पाएगा y का, है ना. तो चलो करते हैं हम इसे मल्टीप्लाई. तो 2 4 जा 8x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 4200. ओके नेक्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा 15x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5200. ओके तो हमारे पास अब ये दो इक्वेशन आ गई, इसे 3 ले लो, इसे इक्वेशन 4 ले लो. अब हम इसे क्या कर ले, अगर माइनस कर दूं मैं इन दोनों इक्वेशंस को, ओके दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस कर दिया मैंने इसे, साइंस चेंज कर दिए तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, 6y कैंसिल हो गया, बचा क्या 8x माइनस 15x. तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 15x कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 7x और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस 1050. ओके तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1050 अपॉन 7 हो जाएगी. तो 7 1 जा 7 कैरी गया 3 7 5 जा एंड 0. तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 150 मिल गई. क्लियर? तो x 150 मिल गई. तो अब इन दोनों ओरिजिनल इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देते हैं हम. सपोज हम कर रहे हैं इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 150 इन इक्वेशन 1. ओके तो देखते हैं क्या हो रहा है, मैं 4 into 150 प्लस 3y इक्वल्स टू 2100. ओके तो 3y को एक तरफ रखते हैं, बाकी को ट्रांसफर कर देते हैं. 2100 इनटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600. तो इधर प्लस था तो इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया. ओके 600 अगर माइनस करूं तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 1500. 3y इक्वल्स टू 1500. सो y इक्वल्स टू 1500 डिवाइड बाय 3 दैट इज 5500. सो y इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, 500. सॉल्व हो गया हमारा, x और y की वैल्यू आ गई. x और y क्या था हमारे लिए, हमें क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ वन चेयर एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल सेपरेटली. तो x की वैल्यू आ गई, x हमारा क्या था, वन चेयर का कॉस्ट था. तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 150 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 500 रुपीज. ओके कम टू क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सॉल्व फॉर x एंड y. x एंड y लिख दे मतलब हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन कुछ खराब सा दिख रहा है ना, बहुत अजीब सा इक्वेशन दिख रहा है. उसमें क्या लिखा है, वेयर, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 1. क्यों दिया ऐसा, नॉट इक्वल्स टू 1, यहाँ ऐसा अगर मैं x को 1 ले लेती तो ये टर्म क्या हो जाता, 0, जो कि क्या हो जाता, 5 अपॉन 0. किसी भी वैल्यू के अपॉन में 0 जो है, वैल्यू इज व्हाट, नॉट डिफाइंड. ओके तो दैट इज वी कॉल्ड नॉट डिफाइंड, इसलिए हम x को 0 और y को 2 नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है पहले. ओके तो हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं रिड्यूसिबल मेथड यूज करते हैं.
रिड्यूसेबल मैथड जो कि हमने चैप्टर थर्ड में पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. हम क्या करेंगे, 1 अपॉन x माइनस 1 को हम a कंसीडर कर लिए और 1 अपॉन y माइनस 2 को हमने क्या कंसीडर कर लिया, b कंसीडर कर लिया. अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारे पास. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी इक्वल्स टू 1. ये हमारे पास क्या बन गया, सेकेंड इक्वेशन बन गया. अब दो इक्वेशन मिल गए तो हमें तो पता है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करके आंसर कैसे लेके आना है. अब इसे मैं 3b अगर बना दूं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो b एलिमिनेट हो जाएगा. तो रीराइट कर लेते हैं इक्वेशन जल्दी से, 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 3 टू 6. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, इसको एज इट इज ही रखना है तो सपोज लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 1. ओके, तो 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1. अब इसे हम क्या कर दें, ऐड कर देते हैं. ओके, ऐड कर देते हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं है हमें. तो 3b से 3b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस 3b और एक प्लस 3b है. क्लियर. तो ये कितना हो जाएगा, 21a और ये कितना हो जाएगा, 7. तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 21, दैट इज 7 1 7 3. तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 अपॉन 3 आ गई a की वैल्यू. क्लियर. तो अब हम क्या करें, a की वैल्यू हमें 1 अपॉन 3 मिल गई तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट कर देते हैं a को किसी भी इक्वेशन में. a इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इन इक्वेशन किस में, 1 में पुट कर दिया. ओके, तो 5 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस बी इक्वल्स टू 2. तो क्या हो गया, b इक्वल्स टू 2 माइनस 5 अपॉन 3, प्लस था तो इधर जाके माइनस हो गया. 6 माइनस 5 अपॉन 3, दैट इज 1 अपॉन 3 अगेन. b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 अपॉन 3 मिल गई b की भी वैल्यू. अब हमें क्या करना था, हमें तो x और y का वैल्यू निकालना होता है हमेशा, है ना. तो हमने x किस, हमने a किसको कंसीडर किया था, a हमने कंसीडर किया था 1 अपॉन, किसे कंसीडर किया था हमने, 1 अपॉन x माइनस 1. x माइनस 1 को हमने a कंसीडर किया था, है ना. और b किसे कंसीडर किया था, 1 अपॉन y माइनस 2 को कंसीडर किया था. ओके, तो हम अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. a कितना है हमारे पास, 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1. इसे सॉल्व अगर करें तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ गया x की वैल्यू. क्लियर. अब y हमारे पास कितना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें b निकालना है. b निकाल चुके हैं हम 1 अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y माइनस 2. ओके, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर तो ये इतना आ जाएगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू माइनस 2, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा. ओके, दैट इज इक्वल्स टू 5. So y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5. इसे कहते हैं रिड्यूसिबल मैथड, रिड्यूसिबल फिर उसके बाद एलिमिनेशन मैथड. ओके, सॉल्व फॉर x एंड y, x और y के लिए हमें सॉल्व करना है. और इक्वेशन, बाप रे, फिर से दो वेरिएबल, तीन चार वेरिएबल दे दिया, a b x एंड y, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है बहुत इजी. चलो देखते हैं क्या बोल रहा है. ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं इक्वेशन. इक्वेशन हमने क्या कर दिया, 6 से अंदर पे मल्टीप्लाई कर दिया और प्रॉपरली उसे लिख लिया, रीराइट कर लिया. ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं a से मल्टीप्लाई. ओके, और इक्वेशन b सेकंड को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से. और हम उसको ऐड कर देते हैं. चलो a से मल्टीप्लाई करके हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x प्लस 6aby इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, इतना हो जाएगा इक्वेशन 1. और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6b स्क्वायर x माइनस 6aby इक्वल्स टू माइनस 2ab प्लस 3b स्क्वायर. क्लियर है. तो अब अगर मैं इसे ऐड कर दूं इस इक्वेशन को, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेम है. बचा क्या हमारे पास, ये कितना हो गया, 12 a स्क्वायर, सॉरी इसको हम ऐसे लिखते हैं, 6 a स्क्वायर x प्लस 6 b स्क्वायर x. और इसमें से x और 6 हम कॉमन निकाल लेंगे बाद में. ठीक है, पहले इधर भी लिख लेते हैं. इधर क्या लिख लें, 3 a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस 2 ab प्लस 3 b स्क्वायर, ऐसे लिख लिया. ये कैंसिल हो गया आपस में, प्लस माइनस था तो ये क्या हो गया, 3 कॉमन निकल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से 6x कॉमन निकल गया, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा. ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा गया हमारे पास 6x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 6, 3 वन जा एंड 3 टू जा. तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x आ गई हमारे पास 1/2. अब x 1/2 आ गया तो हम क्या करें, हम पुट कर देते हैं x 1/2 कौन से इक्वेशन में कर दें, चलो फर्स्ट में करके देखते हैं. ओके,
फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या मिल गया था, ये वाला है फर्स्ट इक्वेशन, तो 6 इंटू 1 बाय 2 ए, एक्स की वैल्यू 1 बाय 2 रख दिया हमने, प्लस 6 बी वाई इक्वल टू 3 ए प्लस 2 बी, क्लियर। तो ये कितना हो गया, ये 3 जा हो गया, 3 ए प्लस 6 बी वाई इक्वल टू 3 ए प्लस 2 बी, 3 ए इधर जाके माइनस हो जाएगा इसलिए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 6 बी वाई इक्वल टू 2 बी, बी टू बी कैंसिल, 6y equals to 2, so y equals to 2 upon 6, 6 1s and 6 3s, so y equals to 1 by 3. मिल गया हमें x और y का वैल्यू, truly easy, okay? Now come to question number 8, question number 8 क्या बोल रहा है हमें, solve the following pair of equation by reducing them, यहाँ पे लिख दिया हमें reducing them, पिछले वाले में लिखा नहीं था, है ना, तो हमें अब इससे reduce करना है, 1 upon x, तो ये complicated ना हो करके हम क्या ले लेते हैं, 1 upon x को हम ले लेते हैं a, और 1 अपॉन y को हम ले लेते हैं क्या b, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस 4b इक्वल्स टू 2, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इतना ही इजी होगा ये इक्वेशंस को तुरंत लिखना, ओके 3b इक्वल्स टू 9। अब ये दो इक्वेशंस हो गए हमारे पास, हमें किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना होता है ना, तो ये इक्वेशन कोएफिशिएंट इक्वल है a का, तो हम क्या कर दें माइनस कर दें इक्वेशन को, माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस 7b equals to ये कितना हो जाएगा minus 7, तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी minus 7 upon minus 7, that is 1, b हमें कितना मिल गया 1 मिल गया, क्लियर है। आप इस सॉल्यूशन के थ्रू भी जा सकते हैं आपको अगर वो समझ में आए तो, नहीं तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही रही हूँ क्योंकि हमें जल्दी से वीडियो खत्म करना है, ओके। तो अब बी का वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, हम रखें अगर तो ए माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो a equals to 2 plus 4, that is equals to 6. a की वैल्यू कितनी आ गई 6, क्लियर है। अब हमने a कंसीडर किसे किया था, a हमने किया था 1 upon x को कंसीडर, तो क्या मिला है हमको यहाँ से 6 equals to 1 upon x मिला है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1 upon 6, क्लियर है। वैसे ही हमने b किसे कंसीडर किया था, हमने y को 1 upon y को कंसीडर किया था, क्या 1 upon y को हमने किया था b कंसीडर, तो 1 upon y equals to हमें y कितना b कितना मिला है 1, तो y equals to हमें कितना मिल जाएगा, y equals to हमें मिल गया 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, x की 1 upon 6 हो गई और y की क्या हो गई 1, तो दिस इज योर आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यूज बस चेंज कर सकता है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, ओके तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर है तो एक ऐसा होगा जैसे 10 है टू डिजिट, 11 है तो एक ये एक ये एक ये एक ये है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 30 लिख रही हूँ, सपोज 32 लिख रही हूँ, 32 लिख रही हूँ, तो ये टू डिजिट नंबर है, ये कौन से डिजिट पे हुआ, ये वंस के डिजिट पे हुआ, और ये किस पे हुआ, टेंस पे हुआ, ओके टेंस डिजिट पे हुआ, टेंस प्लेस पे हुआ, ये वंस प्लेस पे हुआ, ओके तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 लिख सकते हैं, मतलब हमने क्या किया 10 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 3 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 1, क्योंकि 1s के प्लेस में और ये 10s के प्लेस में, तो अगर मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए x और y चाहिए, तो मैं इसे क्या करूंगी 10x और ये इसको क्या करूंगी मैं y इंटू 1 इज y, क्लियर है। इतना ये समझ में आ गया तो हमें ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, ओके तो चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है हमने क्या, ओके टू डिजिट नंबर, द डिजिट in the unit place that means the ones place is twice of the digit in the tenth place, मतलब x और y है तो जो unit place में है, मतलब unit place में क्या है, suppose हमारा unit place पे हमारा है x ले लेते हैं हम unit place पे, okay y x ले लेते हैं, तो x unit place पे है तो जो y रहेगा वो क्या है, वो twice है उसका, ठीक है तो x equals to twice है, तो फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे डिजिट, ये तो समझ में आ गया हमें, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिवर्स कर दे, अगर हमने यहाँ पे देखा कि एक्स वाई को हमने क्या लिख, वाई एक्स को हमने क्या लिख दिया एक्स वाई, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 10x प्लस वाई बन जाएगा। अब क्या दे रहा है, द न्यू नंबर इज, जो भी नंबर ये बनेगा वो क्या होगा 27 मोर देन द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उससे कितना ज्यादा होगा 27 ज्यादा होगा, ओके तो हमने क्या लिख लिया 10x प्लस वाई equals to 10y plus x plus 27, ये हमारा एक equation बन गया, okay? तो हम x x वाले term को एक तरफ लिखे तो 9x minus 9y equals to कितना हो गया हमारे पास 27, अगर मैं 9 से divide कर दूँ तो x minus y equals to 3, ये equation हमारा 2 बन गया। हमारे पास equation number 1 तो ये है ही x equals to
2y. तो x की जगह पे अगर मैं 2y रख दूं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर दूं, तो 2y minus y equals to कितना हो जाएगा 3, तो y equals to मेरे को कितना मिल जाएगा 3, y की वैल्यू मिल गई 3. अब x निकालना है मेरे को, तो x equals to 2y, तो 2 into 3 equals to 6, तो x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, x की वैल्यू मेरे को मिल गई 6. हमें क्या निकालना था, हमें यही निकालना था, फाइंड द नंबर्स निकालने थे. तो हमारा जो नंबर आया, हमारे पास जो नंबर था, हमने क्या लिखा था, x डिजिट को, हमने x को क्या लिखा था, यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे, और y को हमने कहां पे लिखा था, टेंस के प्लेस पे. तो y कितना है 3 और x कितना है 6, तो हमारा नंबर क्या है 36. क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जब हमें लाइंस कैसे मिलती है, हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलती है, और हमारे पास वैल्यू क्या होता है, a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. ये अगर कंडीशन फुलफिल होता है तभी हमको क्या मिलती है, कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये दोनों है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, मतलब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल करेगा. ओके, तो हम अब लिख लेते हैं इस कंडीशन को, क्या लिखेंगे, 2m minus 1 upon 3 equals to 3 upon n minus 1, clear, equals to 5 upon 2. मतलब हमें क्या मिल गया, ये a1, ये a2, ये b1, ये b2 और ये c1 और c2. तो हम क्या करते हैं, हमेशा कांस्टेंट से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि हमें अननोन नंबर का वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है ना. 2m minus 1 upon 3 equals to 5 by 2 लिख सकते हैं, पहले इससे m की वैल्यू निकाल लेंगे हम. क्लियर, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई करो, तो 2 into 2m minus 1 equals to 5, 3 is 15, 4m equals minus 2 equals to 15, okay, तो 4m equals to 15, 16, 17 and m equals to 17 upon 4. This is the value of m. m की वैल्यू मिल गई. अब n निकालना है हमें, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, 3 upon n minus 1 equals to 5 upon 2, तो क्रॉस ये 6, तो ये 5n minus 5. ओके, तो ये इधर चला गया, तो 5n equals to 11, so n equals to 11 upon 5. This is the value of n. क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन, देखने से थोड़ा सा डेंजरस लगता है, लेकिन अगर आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किसके लिए होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन के लिए होते हैं और उसका कंडीशन ये होता है, तो आप वेरी इजीली से कर सकते हैं. ओके गाइस, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें ये वीडियो बनाने के लिए बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं. हालांकि हम काफी लेट हो गए हैं, लेकिन हमने तब भी कोशिश की है कि हम जितने ज्यादा वीडियोस बना सके हमने बनाया है. आई थिंक आपको वो पसंद आए. अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 4 फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन.